नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने दो बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए कुशीनगर जाएंगे और उनके 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने की भी संभावना है। ऐसे में सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है और पहली यात्रा का कार्यक्रम लगभग तैयार भी हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, जो विशेष रूप से बौद्ध सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा भी देगा, क्योंकि कुशीनगर वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पहली उड़ान श्रीलंका से आने की संभावना है, जहां बौद्धों की एक बड़ी आबादी रहती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा है कि उड़ान में श्रीलंका के राष्ट्रपति, अन्य प्रतिनिधियों और बौद्ध तीर्थ यात्रियों को ले जाने की भी संभावना है। इसके साथ ही पीएम मोदी कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की 25 अक्टूबर को वाराणसी से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से संबंधित एक अखिल भारतीय योजना शुरू करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में सूत्रों ने बताया है कि यूपी पर प्रधानमंत्री का ध्यान अक्टूबर के बाद भी जारी रहने वाला है, क्योंकि कई परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास के लिए तैयारी की जा रही है और इनमें से कुछ परियोजनाओं में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कई मेडिकल कॉलेजेस भी शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि मणिपुर में हमले, नाकेबंदी, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के हमले आम बात थी, लेकिन बीजेपी के शासन में पूर्वोत्तर राज्य में स्थिरता बहाल हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि मणिपुर में शांति बहाल हो चुकी है, जबकि त्वरित विकास ने पूर्वोत्तर राज्य को बहुत आवश्यक स्थिरता प्रदान की।